महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर कांग्रेस द्वारा निकाली गई गांधी संदेश पदयात्रा लखनऊ दौन पहुंची, जहां पदयात्रा में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोरदार स्वागत किया गया। कांग्रेस ने बताया कि यह पदयात्रा देश में सांप्रदायिक सद्भाव, अखंडता एवं संविधान की रक्षा हेतु निकाली गई है। वहीं बीजेपी ने पदयात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार को पहले अपने वचन निभाने चाहिए। महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी की संदेश पद यात्रा निकाली गई। यात्रा शहडोल, रीवा, सतना, जबलपुर, छतरपुर आदि जिलों से होते हुए सिवनी के विधानसभा लखनऊ दौन पहुंची, जहां इस पद यात्रा का स्वागत जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा किया गया और शहर में भ्रमण कर गांधी जी के संदेश को बताया गया। इस दौरान यात्रा के साथ कांग्रेस के जिला पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कांग्रेस के प्रतिनिधि ने बताया कि पदयात्रा देश में सांप्रदायिक सद्भावना, अखंडता एवं संविधान की रक्षा हेतु निकाली गई है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल एक ही है, भाई को भाई से जोड़ो, पड़ोसी को पड़ोसी से जोड़ो, देश में नफरत की जो आंधी चल रही है उसको खत्म करो, जो देश में डर का माहौल फैलाया जा रहा है उसको खत्म करो, गांव को गांव से जोड़ो, जो लोगों के बीच में आग जलाई जा रही है उस आग को बुझाओ। इस गांधी संदेश यात्रा का एक ही केवल उद्देश्य है और एक ही मात्र उद्देश्य है। जहाँ जहाँ से हम लोग आ रहे हैं, बरगी, धूमा और अभी लखनऊ दौन, जहाँ जहाँ भी रुक रहे हैं, लोगों में प्रेम और स्नेह की जो ज्वाला दिख रही है वो शायद मैंने कभी नहीं देखी। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि लोगों के मन में महात्मा गांधी जी के प्रति इतना स्नेह और इतना त्याग की भावना है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की इस गांधी संदेश पद यात्रा पर बीजेपी प्रवक्ता ने निशाना साधते हुए कहा कि इस यात्रा के निकालने से पहले कांग्रेस को वचन पत्र में किए वादों को पूरा करना चाहिए। प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान आत्महत्या करने को मजबूर है, कर्मचारी अधिकारी परेशान है, कमलनाथ के नेतृत्व में पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। हर पार्टी संगठन की अपनी यात्रा होती है, उस विषय में मैं ज़्यादा कुछ कहना तो नहीं चाहता, मगर एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये गांधी संदेश यात्रा वो निकाल रहे हैं ठीक है, मगर उसके साथ साथ उन्हें वचन पत्र पूर्ण करने का कार्य जो करना था वो कार्य आज तक उन्होंने नहीं किया। उस यात्रा को प्रारंभ इनको करना था, वो यात्रा इन्हें प्रारंभ नहीं की। आज प्रदेश का नौजवान बेरोजगारी के कारण परेशान है, प्रदेश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्मचारी अधिकारी परेशान हैं, यह प्रदेश की पूरी व्यवस्था कमलनाथ जी के नेतृत्व में चरमरा गई है। यह प्रदेश जो शिवराज जी के नेतृत्व में उन्नति और विकास के रास्तों को प्रशस्त कर रहा था, आज वो दुर्गति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। एक साल का पूरा कार्यकाल होने के बाद भी कांग्रेस की सरकार ने इस प्रदेश का बेड़ा गर्क करने का कार्य किया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखन न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।